हम भी वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के लोगों के जीवन को उन्नत और समृद्धशाली बनाने के लिए, देश के लोगों को उत्तम और शुद्ध उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए एक संकल्प लेकर के कार्य योजना हमने तैयार की थी कि वहाँ पर एक बड़ा मेगा फूड पार्क बनाएंगे, और उसके लिए हमने अविलंब बाउंड्री वॉल और संपर्क कार्यालय बाकी चीज़ों को भी जोड़ लिया था। हमने बहुत सारी मशीनों का ऑर्डर भी दे दिया था, मशीनें भी आ गई थीं, और केंद्रीय सरकार से हमने थोड़ा प्रयास किया कि वह मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत उसको मेगा फूड पार्क के रूप में हमें स्वीकृति प्रदान करें। हमें खुशी थी कि उन्होंने वह स्वीकृति भी प्रदान की। उसके लिए कुछ अर्हताएँ होती हैं, कुछ पेपर वर्क होते हैं, उसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश शासन से रिक्वेस्ट किया मेगा फूड पार्क स्कीम, क्योंकि वह समय निकल गया। उन्होंने हमें 2-3 बार समय दिया। हम उस समय पर सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण से, उत्तर प्रदेश सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण से हम उसको पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए, और इससे पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार का, उससे जुड़े हुए लोगों का दिल कहीं ना कहीं इससे दुखी हुआ, हमारा मन टूटा। तो इस बड़े अभियान को अब पतंजलि ने यह संकल्प लिया है कि हम इसको ग्रेटर नोएडा में अब नहीं करेंगे। ग्रेटर नोएडा की जो भूमि है वह हम पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को वापस कर देंगे।